शादी होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम के अध्यक्ष मायावती को आप सुन रहे थे, जो मध्य प्रदेश के रीवा में पहुंची हुई हैं, जहां पर बीएसपी के तमाम दिग्गजों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका पहले स्वागत किया गया मंच पर, और अब जनता को संबोधित कर रही हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में बीएसपी के कैंडिडेट के लिए प्रचार करने के लिए पहुंची हुई हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव है और ऐसे में प्रचार भी जोर शोर से जारी है। बीएसपी भी इस मामले में आ गए। लगातार बीएसपी की ओर से रैलियां की जा रही है, जनसभाएं की जा रही है, और जनसभा करने बीएसपी अध्यक्ष मायावती यहां रीवा में पहुंची मध्य प्रदेश की, और यहां पर बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील उनकी ओर से की जा रही है, जनता को संबोधित वो कर रही हैं। और इससे पहले भी लगातार उन्होंने बीएसपी की ओर से इससे पहले जो काम किए गए हैं उनके बारे में व्यक्त ही बनी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बनशाही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में, हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण ही किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी कुछ बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी कोई कम नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं अभी तक भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं, और अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की भी पूरी पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है। जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं, और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है, यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में आपका जो पड़ोसी प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में
चार बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में यहां रही सरकार ने चुनाव में पार्टी के बिना जारी किए गए घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनके अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवा हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी, हर स्तर पर ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी कि केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। और इस संबंध में यहाँ मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो फ्री में थोड़ी सी खाद्य सामग्री गरीब परिवारों को देकर तो उसके बदले में जब चुनाव आता है, चाहे असेंबली का हो या पार्लियामेंट का, तो चुनाव के दौरान फिर बीजेपी वे आरएसएस के लोग गांव-गांव में जाकर यही प्रचार करते हैं कि देखो मोदी जी की सरकार ने आपको फ्री में राशन दिया है, आपको नमक चावल आटा दिया है, आपका फर्ज बनता है, आपके ऊपर मोदी जी का बहुत कर्ज है, इस कर्ज को आपको वोट के बदले में अदा करना है। ये प्रचार करके उन गरीब लोगों को गुमराह करते हैं, जबकि गरीब लोगों को ये मालूम होना चाहिए उनको जो फ्री में थोड़ा सा भी राशन दिया जा रहा है, जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी कोई अपनी जेब से नहीं दे रही है सुविधा, बल्कि जो गरीब जनता या पूरे देश की जनता जो टैक्स देती है उस टैक्स के पैसे से ही आप लोगों को ये खाद्य सामग्री दी जाती है और सुविधाएं दी जाती है। तो इसके लिए आपको ये जो हमें कर्ज अदा करना है, हमने नमक खाया मोदी जी का, इसके चक्कर में आप लोगों को गुमराह। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती को आप लोग सुन रहे थे, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा में पहुंची हुई थी और वहां पर बीएसपी कैंडिडेट के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। और लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी का चुनाव प्रचार अभियान आगे बढ़ता हुआ, बीएसपी अध्यक्ष मायावती लगातार हर एक लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रही है, बीएसपी कैंडिडेट के लिए भारी जन समर्थन जुटा रही है। आज मध्य प्रदेश के रीवा में पहुंची थी। हिन्दुत्व की भी आज देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अभी ने ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से काफी आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितेशी पार्टी
बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यह अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फुले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा राज सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा पार्टी व मूवमेंट के हित में यही कहना है कि आपके मध्य प्रदेश स्टेट में और खासकर आपके रीवा लोकसभा की सीट और इससे लगी हुई जो अन्य लोकसभा की सीटें हैं, जिनको भी हमारी पार्टी ने लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है। जो आपके सामने खड़े हैं, मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के केंद्रीय व स्टेट के कोऑर्डिनेटर तथा स्टेट की पूरी कमेटी व यहाँ के अन्य सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हुए हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ अपनी पार्टी के सभी लोकसभा उम्मीदवारों को पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है, कामयाब बनाना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। चुनाव प्रचार किया है और